नो, उसमें स्ट्रॉन्ग दी है एजीसीएल। कौन सा? एजीसीएल। यस ओके, एजीसीएल इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इफ आई राइट एजीएनओ3, एजीएनओ3 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर ये एजीसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। विल डिस्कस बेस्ड ऑन दैट। यू हैव अ टॉपिक इन द सेम चैप्टर, ओके, वेयर इट इज इटसेल्फ इज रिटन एजीसीएल इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम चैप्टर। ओके, देखेंगे हम लोग, आई विल शो यू दैट कहाँ पे है वो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्लास हमने एक क्वेश्चन था, मालूम है जब एमसीक्यूज कर रहे थे, आपने आपको बताया था कि AgNO3 इज सोल्यूबल इन वाटर, राइट, व्हाइल AgCl इज इनसोल्यूबल इन वाटर। हमने लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये सब कंबाइन करके सोल्युबिलिटी का पार्ट डिस्कस किया था, नहीं बहुत पहले किया था एक बार। yes. हाँ, तो AgCl का लैटिस एंथैल्पी, उसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे केस में सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ओके, तो दिस वेरी कॉमन, मतलब दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सो AgCl तो चांस ही नहीं कुछ कि पानी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन होने का, फिर भी देखते हैं हम लोग कहाँ पे लिखा है वो भी, और अपने टेक्स्ट बुक में गलतियां तो भर भर के हैं, डोंट वरी। सॉरी, तो क्लास नेक्स्ट थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो बस ये दो लोग बोलते हैं कि एसिड और बेस को, एसिड या बेस जैसा बिहेव करने के लिए एक्वियस सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, जो कहां पे था, अर्नियस थ्योरी, राइट, अर्नियस थ्योरी बोलता है एसिड एंड बेसेस बिहेव्स एज एसिड एंड बेसेस ओनली इन देयर एक्वियस स्टेट, एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, बस एक्वियस स्टेट मत बोलना, एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, व्हाइल ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्या बोलता है कि एसिड एंड बेसेस एक्वियस सॉल्यूशन में हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, तो क्लास फिर एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो एसिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज एनी सब्सटेंस और एनी स्पीशीज प्लस स्पीशीज बोला तो क्या होता है, इट कैन बी आइटम, इट कैन बी आयन और मॉलिक्यूल, राइट, एसिड एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट वन और मोर प्रोटॉन्स टू अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चीज है जो क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन क्या कर सकता है, दूसरे सब्सटेंस को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो क्लास अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी एसिड इज प्रोटॉन डोनर, ऐसे क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, राइट, डोनर। ओके, तो एसिड इज एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट वन और मोर प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, सो एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तो लेट्स टेक एग्जांपल, इफ आई राइट HCl, ओके, क्लास क्या HCl क्या डोनेट करने के लिए प्रोटॉन्स है, यस है, यस यस, HCl इज एसिड, तो आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन HCl, ओके, After donating proton, क्या बचेगा बोलो, Cl minus, Cl minus, तो हमें मिलेगा H plus ion, Cl minus, Cl minus, तो क्लास ये एसिड है, राइट, यस, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3COH, ओके, नीचे मैंने एक्वियस लिखा नहीं, एक्वियस का जरूरत नहीं है, राइट, हाँ, CH3COH, क्लास ये भी एसिड है, बिकॉज़ इसके पास भी एक एसिडिक प्रोटॉन है, राइट, आई होप यू रिमेंबर एसिडिक प्रोटॉन, यस 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 सर, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, तो इट विल डोनेट दैट प्रोटॉन, और बचेगा क्या, CH3OH-, ठीक है, बाद में इफ आई राइट H2SO4, तो H2SO4 एसिड है, बिकॉज़ इसके पास डोनेट करने के लिए प्रोटॉन है, राइट, प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स है, तो उसने अगर एक प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या बचेगा, H प्लस आयन, यस, H4 माइनस, राइट, यस, हां,
प्लस क्या एच एस फोर माइनस एसिड है, क्या एच एस फोर माइनस एसिड है? यस सर है, क्योंकि उसके बाद भी ये प्रोटॉन एसिडिक है याद रखो, तो इट कैन डोनेट डेड प्रोटॉन, नॉट डेड इजिली इट कैन डोनेट राइट। तो एच प्लस एंड एसओ फोर टू माइनस, प्लस जो पहला प्रोटॉन डोनेट करना जितना इजी था उतना दूसरा प्रोटॉन डोनेट करना इजी नहीं होता, नहीं है ठीक है, पर फिर भी डोनेट तो कर सकता है। तो ये सब एसिड्स है, तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट वन और मोर प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंसेस। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल एसिड्स के। तो क्लास बेस का डेफिनेशन है, अगर एसिड प्रोटॉन डोनर है तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्या बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एनी मतलब आपका अल्कोहल फिनॉल चैप्टर हो गया ना? यस सर। ऐसा कभी कभी होता था, आपने देखा था। ओके, तो यहाँ पे फिर H प्लस हम लोग ऐड करते थे, फिर R O H, यहाँ पे H लगता था राइट, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आता था, बराबर? यस यस। बाद में ये R प्लस और ये H2O, ऐसा कुछ मैकेनिज्म आपने देखा रहेगा बहुत सारा। यस सर प्लस यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं ना, हमें अप्लाई भी करते आना चाहिए, वही होता है आपका जे डबल एन नीट। ओके, तो क्लास यहाँ पे बेस ऐसा सस्टेंस होता है, एनी सस्टेंस विच कैन एक्सेप्ट, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर सकता है वन और मोर प्रोटॉन from other substance, okay? Base is proton acceptor, right? Yes. Base is proton acceptor. So, acid is proton donor, base is proton acceptor. So, plus proton का charge, आपका proton का charge क्या होता है? Plus. प्लस पॉजिटिव। तो क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ, सीएल माइनस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा ये प्रोटॉन पॉजिटिव राइट, तो पॉजिटिव को निगेटिव चार्ज हमेशा इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है ना? यस सर। हाँ, तो क्लास ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। तो क्लास ये बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, देखते हम लोग, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आपको मिलेगा यहाँ पे HCl, बराबर? यस। क्लास अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास HSO4- है, राइट? क्लास क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? यस यस। क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन क्या बनेगा? H2SO4 बेस। H2SO4 बेस। मतलब H2SO बेस नहीं है, HSO4- बेस है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कौन एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन? ये कर रहा है ना? HSO4 माइनस। जो कर रहा है वो बेस। तो यहाँ पे Cl- भी क्या है? बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे एग्जांपल है हम लोग के, एन नंबर ऑफ एग्जांपल। प्लस अमोनिया, प्लस ये याद रखो, आई एक्सप्लेन इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अमोनिया का हम लोग, पर आपको दिमाग में फिक्स करना अमोनिया बेस होता है, ठीक है? अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्यों करता है देखेंगे हम लोग। तो प्लस क्या बनेगा? Anybody? NH4+. इसको क्या बोलते मानो उसको? NH4+ को? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, वेरी गुड। चलो ये सब एग्जांपल किसके है? बेस के, राइट? बेस के, बेस। तो बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो क्लास इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा, आपको मालूम है HCl क्या है? एसिड। एसिड है। तो क्लास याद रखो, जब कोई भी बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है राइट, तो क्या बन जाता है? एसिड। बोलते हम लोग कॉन्जुगेट एसिड, क्या इसको? कॉन्जुगेट एसिड। तो बस ये बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है एमसीक्यूज में कि आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड। तो प्लस इसका सिंपल तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए? बेस में आपको सिर्फ एक प्रोटॉन ऐड करना राइट, और एक प्रोटॉन ऐड करके जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो क्लास बेस में अगर आप प्रोटॉन ऐड करते हो तो आपको मिलता है कॉन्जुगेट एसिड। ओके,
और क्लास सिमिलरली एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, राइट? क्लास HCl क्या है? एसिड, राइट? आपने अभी देखा HCl माइनस क्या था? माइनस क्या था? बेस था. देखो अपनी चले बेस. तो क्लास जब एसिड प्रोटॉन क्या करता है? लूज करता है, तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस. तो क्लास हाउ टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट बेस? सिंपल, क्या करना है आपको? एसिड लेना है, उसमें से एक प्रोटॉन निकाल देना, राइट? निकाल देना. आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? कॉन्जुगेट बेस. मतलब बहुत सिंपल है, एसिड प्रोटॉन लूज करता है और लूज करने के बाद बेस बन जाता है, राइट? और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद बेस क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है. एसिड. तो क्लास एक इंटरेस्टिंग चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, जितना एसिड स्ट्रांग होगा, राइट? क्या बोला मैंने? जितना एसिड स्ट्रांग होगा मतलब क्या? जितना फास्ट वो क्या कर सकता है? प्रोटॉन लूज कर सकता है, लूज कर सकते हैं, उतना इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा. क्लास देखो, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता? HCl है, राइट? उसने प्रोटॉन लूज किया तो क्या बना? H प्लस एंड Cl माइनस. तो अगर Cl माइनस भी बहुत इजीली प्रोटॉन गेन करेगा तो क्लास वापस क्या बनेगा? HCl. तो क्लास फिर ये नेट रिएक्शन में आपको एसिड मिल ही नहीं रहा, बराबर है? तो अगर एसिड बहुत रैपिडली क्या करेगा? प्रोटॉन लूज करेगा, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उतना ही उसको डिफिकल्ट होगा क्या? प्रोटॉन को वापस एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट करना. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं समझाया क्या बोला मैंने आपको? यस सर. तो अगर एसिड बहुत स्ट्रांग एसिड है, मतलब वो बहुत इजीली प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो बेस है पर वो वीक बेस है, राइट? तो क्लास क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? स्ट्रॉन्गर द एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होता है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक होता है. और जो वीक होता है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग होता है. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है. बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, राइट? वीक होगा. एंड स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो इससे सिंपल स्टेटमेंट क्या ले सकते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, बराबर है? यस यस सर. तो क्लास के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको मैं एग्जांपल देता हूं. चलो क्लास, आपको सीखना है चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, राइट? क्लास ये चारों एसिड है, राइट? यस. आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये अपने चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, किसी और चैप्टर का, फिर भी यहाँ पे अपनो हम लोग को ये थ्योरी अप्लाई करना है ब्रोंसेड लॉरी. क्लास ये चार एसिड है. क्लास इन चारों एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 है. HClO4. अभी क्यों कैसे हम लोग सीखेंगे, ऑक्सो एसिड जो सीखेंगे पार्ट, तो वहां पे सीखेंगे. तो इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HClO4. तो क्लास HClO का कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक है. सबसे वीक है. क्लास सबसे वीक, राइट? ClO माइनस, राइट? यस. यहां पे ClO2 माइनस, यहां पे ClO3 माइनस, और यहां पे ClO4 माइनस. तो क्लास इफ यू से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, राइट, तो ये ऐसा जाएगा, बराबर है? एंड इफ आई से स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, अगर HCl सबसे वीक एसिड है, राइट? यस. उसका बेस सबसे स्ट्रांग है, बराबर है? सबसे स्ट्रांग. यस. बेस स्ट्रांग है. ऐसा जाएगा ऑर्डर कॉन्जुगेट स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस का. आर यू क्लियर? यस. यस. हम लोग इसे तेरी सीखना एसिड बेस कॉन्जुगेट. क्लास ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. क्वेश्चन कैसे आते हैं JEE में और नीट में? एप्लीकेशन बेस्ड. तो दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आर यू क्लियर? क्योंकि आपको याद रहता है और वाइस वर्सा, बराबर है? तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोटॉन लूज कर रहा है, राइट? तो इस केस में किसका काम कर रहा है वो? एसिड का. एसिड का. और यहाँ पे वो क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट का काम कर रहा है. प्रोटॉन एक्सेप्ट.
बेस का काम कर रहा है. तो क्लास ऐसे स्पीशी को बोलते हम लोग एम्फोटेरिक. क्या बोलते इसको? एम्फोटेरिक. तो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक. तो क्लास एम्फोटेरिक होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका नेगेटिव चार्ज और उसके पास प्रोटॉन, दोनों भी होने चाहिए. क्लास इससे क्या होगा? प्रोटॉन लूज करके एसिड का काम कर सकता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. वो किसका काम कर सकता है? बेस का काम करते हैं. ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर. तो क्लास क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, पहचान पाओगे इजीली. तो क्लास कैसे पता चलेगा? उसके पास एच भी होना चाहिए और प्रोटॉन भी होना चाहिए. प्रोटॉन भी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए. तो वो सब्सटेंस कैसे काम करेगा? एम्फोटेरिक बिहेव करेगा. क्लियर है सर? एक बार फिर से बताओ ना एम्फोटेरिक. ओके, ये H2O4 मान दिख रहा तुम्हें? यस. हां, क्या उसके पास देने के लिए प्रोटॉन है? Yes. तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड. एसिड है. ठीक है. तो H2O- में उसके और नेगेटिव चार्ज है? Yes, नेगेटिव है. हाँ, तो जिसके नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. Yes, तो इसके लिए वो क्या है? बेस भी है. तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट वो एसिड का काम भी कर सकता है और बेस का काम भी कर सकता है. इसलिए H2O- क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर. ठीक है. Yes, sir, समझा. सर कभी वो एसिड का काम करेगा, कभी बेस का काम करेगा. मैं बताता हूँ. देखो बता दो, अभी ये दिखा देख बता दो आपको कब करेगा कब नहीं करेगा. क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास लिख रहा हूँ मैं अमोनिया. ठीक है, सॉरी पहले लिख रहा हूँ मैं HCl. प्लस इस थ्योरी के हिसाब से HCl क्या एसिड या बेस है? एसिड है. एसिड है. एसिड है, राइट? बिकॉज उसके पास डोनेट करने के लिए प्रोटोन है, राइट? यस. प्लस में मैं डालता अमोनिया. प्लस आपको बाहर रखना है अमोनिया क्या है? बेस. बेस है. ठीक है. चलो एसिड प्रोटॉन क्या करता है? डोनेट करता है. डोनेट करता है. तो प्लस जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो प्लस एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो बनता क्या है वो? खुद बेस. बेस कंजुगेटेड बेस. हां, तो प्लस अगर HCl का H+ निकाल दो क्या बचेगा? Cl- 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 क्या बोलूंगा मैं? बेस. बेस. अगर मैं इसको एसिड वन बोल रहा हूँ तो इसको क्या बोलूंगा? बेस वन. बेस वन, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस है. इस एसिड का है, ये कॉन्जुगेट बेस है, राइट? हमें बताओ यहाँ पे अमोनिया कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो बेस है. तो इसको लिखना मैं बेस टू, क्योंकि बेस वन ऑलरेडी लिख चुके हम लोग, राइट? तो अगला जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है? इसको लिखूंगा अभी एसिड टू. बराबर ना? तो क्लास आपके पास यहाँ पे दो आपके पास पेयर है एसिड बेस का, पहला HCl एंड Cl- और दूसरा NH4+ एंड NH3, राइट? तो क्लास दिस पेयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेट एसिड बेस. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. तो क्लास क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. कर पाओगे आराम से? ओके. प्लस अभी देखते हम लोग वाटर के बारे में. वाटर क्या एसिड है या बेस है वो देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. अब बोलोगे कि वाटर की तरह एसिडिक बेसिक होगा. प्लस अलग अलग थ्योरी का एसिड और बेस का कंसेप्ट अलग है, राइट? तो अभी देखते हम लोग वाटर क्या है, एसिड है या बेस है. तो प्लस इफ आई टेक HCl, आपको ना HCl क्या है? एसिड है. एसिड. ओके, उसमें अगर मैं वाटर डालता हूँ तो एसिड क्या करेगा? वाटर को प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा. डोनेट करेगा. इस केस में वाटर बेस का काम करेगा. तो क्या एसिड का है? H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा? Cl माइनस. Cl माइनस. तो दिस बेस. तो ये बेस वन और ये एसिड वन. क्या H2 में बेस है बिकॉज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? वो H3O. Yes. H3O प्लस बनेगा. हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन, वेरी गुड. तो क्या हाइड्रोनियम आयन क्या है? एसिड या बेस है? एसिड टू. एसिड. एसिड है. क्यों? बिकॉज़ उसने प्रोटॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया. एस्केप किया. तो इट इज एसिड टू. बराबर है? यस. बस ये कंजुगेट एसिड इस पेयर हो गया आपका. तो अभी हम लेते हैं अमोनिया. क्लास अमोनिया क्या है? अमोनिया बेस है. अमोनिया बेस है, राइट? उसमें हमने वाटर डाला तो प्लस अमोनिया बेस है. तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है.
एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा NH4 plus क्या एसिड वन बराबर ना? यस मतलब H2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या आपका आपके लिए एसिड है, एसिड हुआ है करा ना, तब बचा है क्या OH- बेस है, तो क्लास वाटर क्या एसिड या बेस है, एसिड है इधर तो क्लास। हाँ पहले केस में ऑर्डर एसिड का काम कर रहा है और दूसरे केस में ऑर्डर किसका काम कर रहा है, बेस का, बेस का। तो क्लास इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इटसेल्फ, या फिर हम बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर एक्ट एज अ बेस, बेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस वाटर एक्ट एज अ एसिड, तो क्लास दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एसिड के प्रेजेंस में वाटर काम करता है बेस का, और बेस के प्रेजेंस में वाटर काम करता है एसिड का, एसिड का, वी कॉल वाटर एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके तो क्लास आपके क्वेश्चन का आंसर मिला थोड़े टाइम पहले जिसने पूछा था, तो NH4- एसिड का या बेस का काम करेगा डिपेंडिंग ऑन उसके साथ क्या प्रेजेंट है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, यस सर, NH4- का उसके उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बेस का काम करेगा, और उससे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपको वाटर प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ले भी सकते हैं, समझे, दो वाटर के मॉलिक्यूल इसने प्रोटॉन दे दिया तो ये काम करेगा एसिड का, बराबर है, तो बेस क्या होगा उसका कॉन्जुगेट OH- base one, this acid one, okay, plus ये water proton ले रहा है, इसलिए आपके लिए वो क्या है, base, और proton लेने के बाद क्या बनेगा, वो acid बनेगा, acid बनेगा, acid two, तो plus इस reaction में acid और base का दोनों का काम कौन कर रहा है, water ही कर रहा है, right? water ही कर रहा है, तो ऐसे बाकी सब substance के लिए possible नहीं है, बहुत difficult है, पर water के लिए बहुत easy है ये सब करना, एक ही रिएक्शन में वाटर एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है, ऑटो प्रोटोलिसिस हो सकता है रिएक्शन में वाटर का, तो क्लास इसलिए वाटर को हम लोग आगे बोलते हैं, यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, एक वर्ड है यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड, ऑटो प्रोटोलिसिस, क्या बोलते ऑटो प्रोटोलिसिस, तो वाटर कैन अंडरगो व्हाट, ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल ही एसिड और वाटर का मॉलिक्यूल ही बेस है, प्लस एक एग्जांपल और भी है, नथिंग नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, तो ऑटो प्रोटोलिसिस का काम और एक चीज कर सकता है, दैट इज अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ऑटो प्रोटोलिसिस का काम कर सकता है, प्लस थोड़ा सा ये मतलब रिएक्शन डिफिकल्ट है, तो प्लस अगर अमोनिया एसिड का काम करेगा तो प्लस क्या करेगा बोलो, प्रोटॉन लूज करेगा ना, यस यस, क्या बचेगा प्रोटॉन लूज करने के बाद, NH2 minus ओके, इसको हम लोग ऑर्गेनिक में बोलते हैं अमाइड आयन, राइट, NH2 minus, तो क्लास ये एसिड वन है तो ये क्या होगा आपका, बेस वन, प्लस एसिड प्रोटॉन देने के बाद क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, अगर आप NH3 से एक प्रोटॉन निकल दोगे तो क्या बचेगा, NH2 minus, तो अगर ये एसिड है तो ये क्या आपका कॉन्जुगेट बेस है, बराबर, कॉन्जुगेट बेस, बेस है, गुड, NH2 minus, ओके, तो क्लास अभी NH3 प्रोटॉन लेगा तो ये आपका क्या है, बेस है, बेस टू, तो क्लास अगर ये बेस टू है तो आफ्टर टेकिंग प्रोटॉन NH3 क्या बनेगा, अमोनियम आयन, राइट, NH4 plus तो प्लस अमोनिया का भी ऑटो प्रोटोलिसिस होता है, ठीक है, तो दो चीजें याद रखो, दोनों सॉल्वेंट है क्लास, ये ऑर्गेनिक ये एक्वियस सॉल्वेंट है और ये नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है क्लास, इसके वजह से बहुत सारे रिएक्शन अमोनिया और वाटर के सॉल्वेंट प्रेजेंस में होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है कि उसका कंडीशन नॉर्मल डिपेंड आपके वाटर में क्या डिजोल्व कर रहे हैं, मतलब वाटर में कोई रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर आप खुद को
ऐसा ऑटोप्रोटोलाइज कर लेता है, वो सब ऑटोप्रोटोलाइज का रिएक्शन आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे तो उसका कुछ रिलेशन नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है। यस सर। ओके, तो इतना याद रखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए हो सकता है, ऑटोप्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर और अमोनिया। बस ये सब हो गया। तो ये थियरी कौन सा था? ब्रॉनसेट लॉरी थियरी, प्लस लास्ट थियरी जो सबसे ज्यादा यूज किया आप लोगों ने, लेविस थियरी। हाँ क्लास, इसका नाम लुइस नहीं, इसका नाम क्या है? लेविस है, लेविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो सबको मालूम है एसिड क्या होता है, लेविस थियरी के हिसाब से। लेविस एसिड आपने बहुत बार सुना रहेगा, एसिड इज इलेक्ट्रॉन, नोबडी, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर डोनर, एक्सेप्टर, क्लास एक्सेप्टर, क्लास एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, याद रखो। तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करता हो थ्योरी ब्रॉनसेट लॉरी, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो कौन सा? लेविस थ्योरी। तो क्लास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग चीज है, राइट? यस। तो जो भी सब्सटेंस क्या कर सकता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? वो क्या होता है? एसिड होता है, एसिड। तो क्लास इसी चीज को और एक नाम है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रोफाइल। सुना है ना आपने? यस यस, सर, इलेक्ट्रोफाइल, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एसिड। तो लेविस बोलता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो क्लास कौन से सब्सटेंस एसिड का काम करते हैं वो देखते हैं हम लोग। क्लास हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? नो 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 सर। तो उस चैप्टर में ये थ्योरी आपको कंप्लीटली यूज करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में, लेविस थ्योरी पूरा थ्योरी आपको यूज करना है। हाँ, तो सबसे पहले एसिड का काम कौन करते हैं, लेविस एसिड कौन होते हैं? क्लास हम लोग लेविस एसिड की बात कर रहे हैं, कोई भी एसिड नहीं है, बोलोगे आरएनएस का एसिड तो नहीं, यहाँ पे उसका कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग बात करें कौन सा एसिड का? लेविस एसिड का, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड में सब एग्जांपल आते हैं ऑल, या ऑल से अच्छा हम लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं? लेविस एसिड। प्लस मैं ऑल ये वाली जानबूझ के निकाल आपको बताता क्यों, पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं? लेविस एसिड। तो क्लास एग्जांपल एच प्लस, एन ए प्लस, एनओ टू प्लस, प्लस एन नाइट्रोन नहीं माना, आपने देखा है कभी? देखा रहेगा एनओ टू प्लस, नाइट्रेशन रिएक्शन में देखा है नाइट्रोन आयन, एनओ टू प्लस, प्लस जो भी है, जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन है वो सब क्या होता है? मोस्टली लेविस पक्का सुना रहेगा, SN, ये SN1, 2 के लिए और SN1 के लिए हो गया ना, SN1 SN2 कार्बोकटायन, दिस इज कार्बोकटायन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकटायन, राइट? आपको मालूम है इसके ऊपर अटैक होता है किसका? इलेक्ट्रो मालूम है ना आपको, इसके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता होता है, कौन अटैक करता है? OH माइनस, ऐसा बहुत डिटेल में सीखा रहेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मुझे इतना बताना है ये सब क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये सब लेविस एसिड का। क्लास दूसरा कौन होता है लेविस एसिड्स? ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम इज इनकम्प्लीट। ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल आइटम इज इनकम्प्लीट। लेट अस एग्जांपल, क्लास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 2, 3, बराबर
Yes. Boron 2.3. Now इसका valence में 3 electrons. The class if boron form bonds with fluorine. Fluorine atomic number is 9. 2.7. तो boron के valence में कितने electrons है? 1, 2 and 3. It shares electrons with fluorine. अभी boron के valence में कितने electrons हो गए? 6. 6. क्या इसका octet complete है? No. नहीं. इसका octet क्या है? अभी भी? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 2.8.3, राइट? बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है तो क्लास क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2.8.7. तो क्लास क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या है? सॉरी, एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट. क्लोरीन विल ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस. फर्स्ट में था AlCl3. नेप ओके. तो क्लास कौन से रिएक्शन में आपको इसको यूज किया था लेविस एसिड? टेल मी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास देखो, रट्टा मार के रिएक्शन मतलब एग्जांपल बाहर करना अलग चीज होते हैं, उनको अप्लाई कर जाना अलग बात होती है. यस. एल्युमिनियम क्लोराइड आपने कहाँ पे यूज किया था एज अ लेविस एसिड? इन विच ऑर्गेनिक रिएक्शन? बहुत फेमस रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अनहाइड्रस AlCl3. क्लास कुछ याद नहीं आ रहा सर? फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन, राइट? वहां पे आप लिखा था एरो के ऊपर अनहाइड्रस AlCl3. यस. अगर मैकेनिज्म देखोगे तो क्लास AlCl3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है. देखो यहाँ पे मैकेनिज्म देखो, फिर फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का कभी बाद में टाइम मिला तो. ठीक है, तो ये अगेन नॉटिंग टू डू विद अवर चैप्टर. तो मुझे इतना पता था कि इसके इसमें ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है. किसका? एल्यूम का. यहाँ पे बोरोन का होता है. दोनों भी किसका काम करेंगे? लेविस एसिड का. ठीक है. हाँ, प्लस एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या PCl3 लेविस एसिड है? PCl3 या नहीं, पहले बताओ मुझे. ट्राई करो आप, और आपको 2 मिनट देता हूँ, सोचो और आंसर बताओ PCl3 लेविस एसिड है या नहीं है. फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है? 15, बराबर ना? 2.8.5. वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cl. क्लास क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है. यस, कंप्लीट है. हां, तो क्लास वो लेविस एसिड नहीं है. ऐसा फंसाते हैं आपको कभी-कभी? आपको क्या लगेगा? सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. उसके पास लोन पेयर पड़ा है, बॉन्ड नहीं है तो. समझा? तो PCl5 लेविस एसिड नहीं है, ये लेविस एसिड नहीं है. आर यू क्लियर? यस सर. क्लास और क्लास तीसरा होता है एग्जांपल. ओके, अपने डी ब्लॉक 11 चैप्टर स्टार्ट. अब वो तो हुआ रहेगा आपका डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक. यस सर. एटम्स और आयंस हैविंग incompletely filled d orbitals. ठीक है, इनके पास incompletely filled d orbitals होते हैं. क्लास में एग्जांपल देता हूं आपके पास, आपको Fe प्लस 2 स्टेट में. क्लास Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26. तो Fe का कॉन्फिगरेशन है Ar 3d 6 4s2. अगर Fe प्लस 2 तो 3d 6 4s 0, राइट? यस. क्लास अभी वहां पे इस उस चैप्टर में डी एंड ए ब्लॉक के 40 एलिमेंट्स है आपके, राइट? डी ब्लॉक के, और 20 एलिमेंट्स किसके? ए ब्लॉक के. एफ ब्लॉक.
कितने हो गए टोटल 68 बना ना, तो 68 एलिमेंट्स को बाहर करने के लिए एक वीडियो बनाया मैंने बहुत रैपिडली कैसे इनको बाहर कर सकते हैं, मतलब कैसे होता है आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं, पर क्या होता है शॉर्टकट्स के शॉर्टकट्स उसके सिंबल के साथ मैच नहीं होते, नहीं होते, और प्रॉब्लम क्या होता है शॉर्टकट्स आप बाहर करते हो पर प्लस किसी और एलिमेंट का नाम लिख लेते हो, तो प्लस तो वहाँ पे जो बनाया मैंने वहाँ पे कैसे शॉर्टकट्स और उसके सिंबल्स मैच हो इस तरीके से। अब देखो अगर टाइम मिला तो बहुत आपका टाइम बचेगा एलिमेंट्स बाहर करने का, एक्चुअली एंटायर पीरियोडिक टेबल ही है वहाँ पे, ठीक है जो भी है कम बैक। तो 3d6 4s2 बराबर प्लस 4p 0 0 and 4d 0 0 0। तो क्लास इनकम्प्लीट फिर से अच्छा लिखता मैं पार्शियली वेकेंट वेकेंट खाली, ठीक है जिसका खाली डी और बड़ा है। तो क्लास यहाँ पे ये जो डी है 4d पूरे के पूरे खाली पड़े हुए हैं, यस 3d भी इनकम्प्लीट फील्ड है, यस। अगर एफी क्लास अगर एफी प्लस टू को कोई इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करता राइट कोई दूसरा स्पीशीज, तो क्लास वो एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे उसको रखने के लिए उसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है। हाँ मतलब मैं बोलता हूँ मेरे पास सोडियम है Na 1s2 2s2 2p6 3s2 बरा ना नहीं 3s1 बरा ना, प्लस अगर Na Na प्लस बना ठीक है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, सोडियम के डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्लास क्यों नहीं होते वो देखेंगे हम लोग, पर फिलहाल Fe प्लस टू जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ओके एनर्जी का कंसर्न होता है, तो ये भी लोवेस ऐसे का काम करते हैं। क्लास ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कम आएगा, बहुत रेयरली ओनली JEE में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो ही, अदरवाइज आपको दो पहले काफी है, कौन से पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन व्हिच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, ये सब क्या होते हैं लोवेस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लास लोवेस बेसिस कौन होते हैं, लोवेस बेसिस होते हैं एनीबॉडी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वेरी गुड लोवेस बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सर वो सोडियम का नहीं समझा, वो नहीं मैं बताता रुको रुको उसके लिए करना पड़ेगा उसको एनर्जी का मुझे पार्ट सब बताना पड़ेगा आपको, बताता हूँ लेविस बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है लेविस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो क्लास इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या देखते हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो क्लास लेविस बेसिस कौन कौन हो सकते हैं, एक तो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है कौन से निगेटिवली चार्ज आयंस। क्लास OH माइनस हो सकता है, बोलिए जल्दी यस माइनस यस NO3 माइनस NO3 H3CO minus class, ये सब देखे अपने न्यूक्लियोफाइल देखे है ना OH yes, okay, yes, sir. Sir. Lewis bases है okay. Plus दूसरा example होता है molecules in which at least one atom has one or more ऐसे इतना ही लिखते हैं, वन आइटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वन आइटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एटलीस्ट एक आइटम क्या होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब क्लास एग्जांपल देखते हैं, क्लास किसके पास लोन पेयर होता है, तो आइटम जिसके पास लोन पेयर होता है वो मोस्टली कौन कॉमन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, पहले नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, याद रखो किसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एक होता है राइट, ऑक्सीजन के पास दो होते हैं याद रखो, ओके सल्फर के पास एक होता है ठीक है मतलब बाद में हैलोजन के पास कोई भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन तीन लोन पेयर होते हैं। तो क्लास मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है सल्फर या फिर हैलोजन है और भी होते हैं पर क्लास ये बेसिक है मतलब जो सबसे बेसिक है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका क्या है
लोन पैरा राइट, तो किसका काम करेगा, लेविस बेस का। तो क्लास मुझे अमोनिया क्या है, लेविस बेस है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस का है, लोन पैर है राइट। ओके उसके बाद नेक्स्ट इज वाटर, वाटर क्या है, लेविस बेस बेस है, ऑप्शन क्या, दो दो लोन पैर है ठीक है। प्लस एक चीज याद रखो, एक एटम के पास कितना भी लोन पैर हो वो देता कितना सकता है, सिर्फ एक लोन पैर, सिंगल आइटम कैन डोनेट ओनली सिंगल लोन पेयर, याद रखो। उसके पास कितना भी हो, बैलन के पास तीन तीन पड़ा है वो तीनों लोन पेयर नहीं सकता, देता कितना है सिर्फ एक ही है, याद रखो अगर जरूरत पड़ा तो। क्लास बाद में सी एच थ्री सी एल क्या है बोलो, ये बेस है, बेस 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 है। आर एस एच क्या है, ये बेस है, बेस है। तो क्लास ऐसा कोई मॉलिक्यूल क्लास बाद में सबसे ज्यादा आप यूज करते हो बेसिक में, आर एन एच टू बरा ना, अमाइंस, अमाइंस क्या होते हैं आपने सीखा है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, बेसिक होते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आइटम के पास कोई भी मॉलिक्यूल इसके आइटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए राइट, यस अवेलेबल देने के लिए, तो दैट विल बी लेविस बेस। ओके तो हम लोग यहाँ पे लेविस एसिड उठाते हैं, कौन सा, बी एफ थ्री ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी एफ थ्री बोरोन ट्राइफ्लोराइड फ्लोरिन 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 राइट। ओके इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए राइट, और अमोनिया लिखता हूँ क्लास, ये क्या है लेविस आपका एसिड, अमोनिया बेस है, बेस क्लास बेस का, बिकॉज नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा है, एक लोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर हां। तो यहां पे बोरॉन अनस्टेबल है राइट, अनस्टेबल मतलब लेस स्टेबल बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन बोरॉन को हेल्प कर सकता है राइट, कैसे, वो बोलेगा कि ये लोन पेयर क्या करते हैं लोग, दोनों के बीच में शेयर कर लेते हैं, डोनेट नहीं करेगा, क्या करेगा शेयर करेगा राइट, अपना लोन पेयर बोरॉन के साथ क्या करेगा शेयर करेगा, चलो अगर बोरॉन के साथ वो शेयर करेगा तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास एक यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए बिटवीन बोरॉन एंड नाइट्रोजन राइट, तो क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके है, नाइट्रोजन के, बोरॉन क्या कर रहा है सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है राइट, तो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास कोवेलेंट बॉन्ड में रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास आइटम ए आइटम बी, तो एक आइटम एक इलेक्ट्रॉन आइटम ए का, एक इलेक्ट्रॉन आइटम बी का राइट, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास अगर आइटम ए और आइटम बी बी का लोन पेयर है तो बी ने ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, शेयर किया, ए नहीं कर रहा ठीक है ना, बस ए सिर्फ क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्लास दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट। तो क्लास हाउ वी शो दैट बॉन्ड, ऑलवेज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, यहाँ पे डोनर है एक्सेप्टर है, प्लस बॉन्ड बनने के बाद उसका प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लाइक कोवेलेंट बॉन्ड होता है राइट, पर वो बनते वक्त कैसे बन रहा है कि यहाँ पे बोरॉन इज एक्सेप्टर नाइट्रोजन इज डोनर, तो क्लास वी कॉल दैट बॉन्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कभी कभी बोलते इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर तीसरा नाम होता है इसका डेटिव बॉन्ड, क्लास है डेटिव बॉन्ड नाम शायद अपने पहली बार सुना देगा, याद रखो डेटिव, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको डेटिव बॉन्ड, तो डेटिव बॉन्ड इज अदर नेम फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके सो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हम लोग क्या बना, हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बना कॉम्प्लेक्स बना, क्या बोलते हैं बना बोलते हम लोग कॉम्प्लेक्स। तो ये सब कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है अपने लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उस चैप्टर में बहुत डिटेल में आप सीखोगे ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स आई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एवरीथिंग ठीक है। दिस कंप्लीट इज लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी हो गया कंप्लीट, एनी डाउट हियर, लेविस थ्योरी लॉरी ब्रॉनसन थ्योरी में वाटर का एम्पोथेरिक नेचर था, तो लेविस थ्योरी वाटर का, हां तो देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, अलग-अलग थ्योरी का एसिड और बेस का कांसेप्ट अलग-अलग अलग-अलग है
वही तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी अरनेस बोले तो उसमें तो कुछ अलग ही है, राइट? यस सर। तो हर एक थियोरी का एसिड और बेस का डेफिनेशन अलग अलग है। तो क्लास मुझे तो आप बोलोगे अब किसी नॉर्मल आदमी को बोलोगे साइंस में नहीं है, उस पर लेंगे वाटर एसिड है, तो क्या बोलेगा, पागल है तुम लोग, बराबर ना? हाँ बकलास। यस। अगर हम लोग साइंटिफिकली कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जहाँ पे बेस प्रेजेंट है, राइट, तो उस केस में वाटर क्या करेगा, उस बेस को प्रोटॉन एसिड का काम करेगा, एसिड करेगा, राइट, और एसिड का काम करेगा। तो किसी रिएक्शन में एसिड है उसमें वाटर बेस का काम करेगा, राइट? यस। तो यहाँ पे आपको कौन सा थियरी यूज करना है, ब्रोंसेट लॉरी थियरी, ठीक है? क्लास अब ऐसा कुछ आपके पास ऐसा कुछ चल रहा है, समझो हमारे पास है R प्लस है, राइट, और मेरे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर के पास लोन पेयर है, बराबर है, तो वाटर इसको आपको लोन पेयर दे देगा। तो क्लास यहाँ पे मुझे बताओ, मतलब ऐसा मैं जस्ट इमेजिन रिएक्शन बताओ, क्लास अभी यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। क्लास ये कौन से थ्योरी के हिसाब से हो रहा है, ये लेविस थ्योरी के हिसाब से हो रहा है, लेविस थ्योरी, यस। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस से जहां पे वो जिसका काम कर रहा है उस थ्योरी को हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे। कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे तीनों में से, पर हर एक थ्योरी अपने अपनी जगह पे अपना काम कर लेता है, ठीक है? यस सर, यस सर। तो ये हो गया आपका सब थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्लस अभी देखेंगे लोग, ओके क्लास एक क्वेश्चन पूछता सिंपल आपको, एक रिएक्शन है ए मोल्स ऑफ ए, देखो बिफोर आई प्रोसेड रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी, लास्ट ईयर का थोड़ा रिवीजन है, शायद चैप्टर मैंने सिखाया था, आई डोंट रिमेम्बर, डी मोल्स ऑफ डी। क्लास ये रिएक्शन है ए बी सी डी, ए बी रिएक्ट, ए एंड बी रिएक्ट एंड यू सी एंड डी। तो क्लास यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, राइट? यस यस। ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी एंड गिव्स यू C moles of C and D moles of D. Class, this is forward reaction, बराबर है? Yes. Yes. और बाद में थोड़ा जो बने C and D, they again react back and gives you A moles of A and B, B moles of B. Class, ये कौन सा reaction आपका? Backward reaction. तो class, starting में forward का rate क्या होता है? Maximum होता है, right? Yes. Yes. Backward का rate क्या होता है? Zero होता है. Zero. जैसे जैसे reaction progress करता है, forward का rate जो maximum कम होना शुरू होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो जीरो था वो बढ़ना शुरू होता है, और एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। क्या बोलते हम लोग उसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम। क्लास चैप्टर मैंने सिखा था आपको इक्विलिब्रियम या नहीं, जो भी है किसने तो सिखा था आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर। हाँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वी कॉल दैट कंडीशन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम, बराबर है? हाँ, प्लस एड इक्विलिब्रियम। तो क्लास अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो मैं लिखता हूं क्यू सी रेस टू सी डी रेस टू डी। क्लास हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी। तो क्लास जब रिएक्शन शुरू है तो बीच में किधर भी रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी आप अगर ये रेशियो लेते हो तो क्लास इस रेशियो का क्या बोलते हैं, क्यू को, एनी बड़ी क्यू को क्या बोलते हैं, बोलो, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। तो क्लास एड इक्विलिब्रियम, एड इक्विलिब्रियम क्यू को क्या बोलते हम लोग, K बोलते, राइट? ओके, एनीबॉडी K को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी गुड। सबको याद आ रहा है ये? यस सर। यस सर। चैप्टर मैंने सीखा था, ऐसे याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, या नहीं? क्लास विजय सर ने सिखाया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में अलग अलग टीचर सिखाते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ किससे आपको मालूम है इतना सफिशिएंट है। तो क्लास K इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेस्ट टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एट इक्विलिब्रियम हम क्यू को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है? प्लस अभी ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से। क्लास एग्जाम्पल मेरे पास है सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एन एच। क्लास ये किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, बोलो? एसिड एंड बेस के बीच में, राइट? और आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, बराबर। तो क्लास इफ आर एड के हियर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, राइट, तो आपका आंसर क्या होगा, सी एच कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, बराबर है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH,
बता रहे बच्चों लोग? यस सर, यस सर। प्लस ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं इस इक्वेशन में कांस्टेंट का नाम लिखूंगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। क्या नाम लिखूंगा मैं? न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। तो क्लास क्या वो इक्वेशन कांस्टेंट यहां है पर कौन से रिएक्शन के लिए है? न्यूट्रलाइजेशन। तो उसको मैंने क्या नाम दिया? न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट। हां क्लास, अगर रिएक्शन एडिशन होता तो एडिशन कांस्टेंट, डीकंपोजिशन होता तो डीकंपोजिशन कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूशन होता तो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट। क्लास अगर मैं पूछता आपको, मेरे पास अगर ये रिएक्शन है CH3COOH aqueous gives me CH3COO- and H+, क्लास इसका के लिखेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे के, क्या होगा आपका? CH3COO- right into concentration of H+ upon concentration of CH3COOH। क्लास क्या नाम देना चाहिए आपको लगता है के को? क्लास चलो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में डिसोसिएशन। इसका नाम लेके हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट। कांस्टेंट प्लस ये आपका जो जो डिसोस हो रहा है वो एसिड है, बेस है, एसिड है, एसिड है। इसका नाम में थोड़ा और चेंज करके इसको लिखूंगा स्मॉल ए नीचे, क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये समझे आपको? यस भाई, एक्चुअली नथिंग बट ये सब सिंपली क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट? पर कौन से रिएक्शन के लिए? डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हम लोग, उसका नाम चेंज कर दिया मैंने, वही होगा। तो के आपका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। तो इतना डिफिकल्ट लिखने से अच्छा सिंपली क्या लिखते हम लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ एसिड। चलो मैं वही सीखना अभी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो क्लास बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, इस चैप्टर में हम लोग एसिड के लिए सिंबल देंगे एच है। एनी बड़ी ऐसा क्यों सिंबल दिया एसिड के लिए एच है? प्रोटॉन रिलीज करते हैं। हम अगर हम लोग एच को पानी में डालेंगे आपको क्या मिलेगा बोलो? एच प्लस एंड ओएच माइनस, ए माइनस, ओएच माइनस, ए माइनस, राइट? प्लस अनायन कुछ भी हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें कैटायंस क्या मिल रहा है? एच प्लस, एच प्लस। जो भी सब्सटेंस हमें क्या देता है? एच प्लस आयन देता है। अपने लिए क्या होता है वो? एसिड होता है, राइट? यस, सिंबल फॉर एसिड इज एच है। प्लस बेस के लिए हम लोग जनरल सिंबल यूज करते हैं BOH। प्लस याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, प्लस BOH क्यों? B प्लस OH, BOH को पता लगा B प्लस मिलेगा एंड OH मिलेगा। प्लस B प्लस क्या हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हमें कौन सा आंसर मिल रहा है? OH माइनस। तो आपके लिए वो क्या है? बेस है, बेस। तो प्लस सोच के आंसर देना, सॉल्ट के लिए सिंबल क्या होगा अपने चैप्टर में? AB, BA होगा ना बच्चों? BA, वेरी गुड, आपने सोचा अच्छा, BA। AB क्यों नहीं? बिकॉज हम लोग अनायन को पहले लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कैटायन को, कैटायन लिखते हैं को, तो BA प्लस। हां तो मतलब ये तीन सिंबल याद रखना, एसिड के लिए HA, बेस के लिए BOH, के BOH, और सॉल्ट के लिए क्या? BA। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस। तो क्या समझ लेते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स। तो क्लास मैं लिखता हूँ, मेरे पास एक वीक एसिड है, कौन सा? एच है, उसको पानी में डाला था, हाउ यू डिसोसिएट? इट विल गिव यू एच प्लस और ए माइनस, प्लस ए माइनस। क्लास अगर आपने कभी गलती से ऐसे देखा एच ए को पानी में डाला और आपको क्या मिला? एच थ्री ओ प्लस एंड ए माइनस। क्लास ये रॉन्ग है, राइट है बोलो? राइट है, राइट है, राइट। फ्री एच प्लस एंड नेवर एग्जिस्ट, वो हमेशा क्या बनता है? वापस वाटर के रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा, जो भी है। हाँ
प्लस इफ आई राइट डिसोसिएशन ओके इफ आई राइट इफ आई अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लोग इसके लिए लॉ ऑफ मास यूज करते हो प्लस के क्या होगा बोलो के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोलते जाओ H plus A minus upon H. I hope तब को मालूम है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है व्हाट इज ब्रैकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इस साल कहाँ पे सीखा था आपने ये केमिकल काइनेटिक्स वेरी गुड केमिकल काइनेटिक्स एच है तो क्लास क्या हो गया आपका के तो क्लास ये एसिड प्लस हम लोग के क्या बोलते हैं हम लोग एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम कॉन्स है राइट और रिएक्शन क्या है दिस रिएक्शन इज डिसोसिएशन फॉर्मेशन अनायंस तो इन सब कॉलिंग इक्विलिब्रियम कॉन्स का नाम चेंज कर देंगे सिर्फ नाम चेंज करेंगे तो इसका नाम क्या होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस किसके लिए एसिड के लिए बेस के लिए एसिड क्या नाम देंगे के प्लस एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको चार एसिड देता हूँ और उनका सबका के वैल्यू बताता हूँ ठीक है आपको चार ऑप्शन में चार एसिड दिए रहेंगे एसिड ए बी चार एसिड देंगे तो एच सी ओ एच सी ओ ओ एच बाद में सी एच थ्री सी ओ ओ एच बाद में एफ सी एच टू सी ओ ओ एच और बाद में एफ टू सी एच सी ओ एच आपको चार एसिड दिया है और सबका आपको के वैल्यू प्रोवाइड किया है आप पूछा है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है आपका आंसर क्या होगा जिसका के वैल्यू ज्यादा रहेगा वो जिसका ज्यादा रहेगा के वैल्यू क्यों सर वो ज्यादा H प्लस और A माइनस ज्यादा H प्लस देगा ज्यादा देगा प्लस अभी हायर वैल्यू ऑफ के ए क्या इंडिकेट करता है आपका न्यूमरेटर ज्यादा है राइट यस न्यूमरेटर मतलब आपके पास ज्यादा H प्लस आयंस है बराबर ना यस मतलब हम क्या बोलेंगे हायर द वैल्यू ऑफ के ए कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली क्योंकि सब वीक एसिड है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर द एसिड एसिड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर द एसिड ओके प्लस हम लोग ये कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते ये वाला के वाला कांसेप्ट कर सकते तो क्यों और नहीं तो क्यों दोनों आंसर बताओ मुझे सर रिपीट करो ना हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन कांसेप्ट लिख सकते हैं क्या सर वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता वो सिर्फ सिंगल स्टेप में आता है वेरी गुड हां क्यों नहीं कर सकते बताओ मुझे 100% डिसोसिएटर हां तो अगर स्ट्रांग एसिड 100% डिसोस हो जाएगा तो उससे क्या होगा बच्चे लोग HAO इनिशियल कंसंट्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा फाइनल हां तो क्लास ये वैल्यू कितना होगा जीरो हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा जीरो होगा ओके आपके पास अनडिसोस एसिड कुछ बचेगा ही नहीं और क्लास एनीथिंग अपॉन जीरो इज Not defined, right? Defined नहीं होता, define ही नहीं करते हम लोग उसको तो इसके लिए हम लोग जो concept है किसका dissociation concept का it is applicable only for which acids? Weak acid. Strong के लिए applicable नहीं because strong acid के denominator में आपको zero आएगा बराबर है क्योंकि आपके पास undissociated acid बचेगा नहीं पूरा zero हो जाएगा वो पूरा पूरा acid dissociated हो जाएगा तो आपको सिर्फ आपके पास क्या रहेंगे सिर्फ H plus ions and minus आपके पास अनडिसोसिएटेड एसिड होगा ही नहीं अगर होगा नहीं तो वो जीरो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा तो हम लोग के को डिफाइन नहीं कर सकते फॉर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी ये क्लियर है हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एनी डाउट प्लस एक चीज और बता दो अगर नॉट इन टेक्स्ट बुक अगला आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये सब ऑपरेटर्स मालूम है मैथ्स में मालूम है yes. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो कैसा ऐसा एक ऑपरेटर और भी है कौन सा पुटेंस कौन सा पुटेंस ऑपरेटर तो उसका मतलब क्या था आपको इफ आई राइट पी रेस टू एनीथिंग तो इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में आपने जो पावर में लिखा है पी इज पुटेंस ऑपरेटर ओके आपने जो पावर में लिखा है आपको क्या लेना है उसका negative log to the base 10 लेना है ओके आर यू क्लियर यस इफ आई एट पी रेस टू 10 मतलब क्या बच्चे लोग बोलो माइनस log टू द बेस माइनस log 10 लाइक दिस बराबर इफ आई एट पी रेस टू ka क्या होगा बोलो माइनस log ऑफ ka टू द बेस 10
k to the base 10 ओके प्लस ये पीके भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे चैप्टर में तो प्लस k हायर द वैल्यू ऑफ k कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर द एसिड तो प्लस इफ आई से हायर द वैल्यू ऑफ p रेस टू k प्लस बोलो एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है p का वैल्यू हाई है मतलब व्हाट इज p k मतलब माइनस log k टू द बेस 10 log k t तो मतलब जितना k का वैल्यू बढ़ेगा राइट उतना ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कम होता जाएगा क्या साथ माइनस साइन नेगेटिव है ना यस तो p k का वैल्यू क्या होगा बढ़ता जाएगा बढ़ उतना एसिड क्या होगा वीक होते जाएगा बढ़ता है एसिड तो क्लास ये क्वेश्चन में पूछते हैं क्या करते हैं आपको चार एसिड का क्या होता है क्या नहीं समझा मास्टर नहीं समझा देखो मैं तुम्हें सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ अगर एक एसिड का Ka 10 है राइट एक एसिड दूसरे एसिड का Ka 5 है एक एसिड का Ka 9 है ओके okay, इसका पीके कितना है का बताओ माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द बेस 10 ऑफ लॉग बेस 10 ओके इसका पीके कितना है का बताओ माइनस लॉग माइनस लॉग टू 5 10 5 इसका पीके कितना आएगा माइनस लॉग 9 टू 10 बेस 10 9 बस अभी ये वैल्यू बताओ ये इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका है सबसे छोटा वैल्यू कौन सा सबसे छोटा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वाली log 10 ये सबसे छोटा वाली कौन सा ये है ना okay, yes. तो क्लास पर k सबसे ज्यादा है यहां पे अगर k बहुत हाई होता तो उसका pk क्या होता बहुत लो होता लो हो जाता हां बता रहा है नहीं समझा समझ निकल रहा है हायर द वैल्यू ऑफ k स्ट्रॉन्गर द एसिड तो हम लोग बोलेंगे लोअर द वैल्यू ऑफ pk स्ट्रॉन्गर द एसिड हां उल्टा होगा सर मतलब उल्टा होता है मैथ से मैथ बस तो अच्छा एसिड के लिए क्या होता है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होना चाहिए उसका के हाई होना चाहिए और पीके लोअर होना चाहिए प्लस अगर के हाई होगा तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली पीके क्या होने वाला है लोअर तो ही होने वाला लोअर होएगा बराबर है समझा अभी नहीं यस सर समझा प्लस अगेन नॉट इन टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट फॉर ओनली योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ठीक है तो हायर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर वीकर द एसिड ओके कुछ पूछना आपको डाउट यहाँ पे तो क्लास अभी देखते हैं हम लोग नो डाउट ना पूछना है हां अभी देखते हैं डिसोल्विंग कौन सा वीक बेस क्लास बेस को कैसे लिखते हैं हम लोग BOH BOH विल गिव यू B प्लस एंड OH माइनस OH माइनस इफ यू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैन रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 ऑन BOH BOH प्लस यहाँ पे हम लोग के को क्या बोलेंगे के बी प्लस बी क्यू ठीक है बी क्यू लिखा हम लोगों ने बेस बेस है ना प्लस दो बेस है आपके पास दोनों का पीके भी आपको सॉरी दोनों का के भी दिया है तो विच इज स्ट्रॉन्गर बेस इसका के भी ज्यादा रहेगा के भी क्योंकि के भी ज्यादा मतलब क्या न्यूमरेटर ज्यादा मतलब क्या आपके पास वो चांस ज्यादा है बराबर ज्यादा है higher the value of kya kb comparatively stronger the base barabar comparatively stronger the base plus similarly higher the value of kya pk kb pkb P raise to KB. Comparatively, weaker the base, right? Plus ये maths है. अगर आप K का value जितना ज़्यादा होता है, उतना PKB का value क्या हो जाता है? Negative log की वजह से कम होता जाता है, right? समझा नहीं है? Yes. हाँ. Yes, sir. ये सब आपको याद रखना है for dissociation of strong, sorry, weak acid and weak base. Base. Okay. Plus next part देखते हम लोग. ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम हुआ इस साल तो आने का सबसे ज्यादा चांसेस है
एक मिनट, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, चलो इसका स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले डाइल्यूशन देखते हैं, ठीक है? हमने बीकर में लिया है कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्लस नाम क्या लेंगे उसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला तो जनरल बी है, ठीक है? क्या नाम है इस इलेक्ट्रोलाइट का? बी ए। तो अगर एसिड होता था क्या लिखते हम लोग? एच ए। बेस होता था क्या लिखते? बी ओ एच। बी ओ एच इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट चलेगा, एसिड बेस कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसका नाम क्या दिया? बी है। जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट बी है। We dissolve in water and make solution. How much solution we make? V dm cube solution. कितना solution बनाया हम लोगों ने? V dm cube solution. Class मैंने law का आपको statement नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि हम लोग derivation से ही statement बता करने की कोशिश करेंगे, right? V dm cube solution हमने बना दिया. Dm cube या फिर liter बोला तो भी चलेगा, right? Class how we can show dissociation of weak electrolyte? Okay, उसका late. Okay, हमने कितना electrolyte लिया समझो? यहाँ पे हमने लिया है, चलो इजी, ये सब डायरेक्शन इजी करने के लिए लेट अस टेक वन मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कितना लेते हैं हम लोग? वन मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हम लोगों ने, जिसका नाम बी ए है। पानी के सॉल्यूशन कितना बनाया हम लोगों ने बोलिए? वी डेसीमीटर क्यूब। क्लास डिसोसिएशन ऑफ बी ए कैन बी शोन एज भी, उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं। हाँ, लेट अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो बी ए का डिग्री ऑफ क्या है? अल्फा है। ओके एवरीवन, yes, so that's my question. What is formula alpha? Alpha is number of moles dissociated upon number of moles taken. Dissociated upon number of moles taken. So aapne kitne mole liye hai? Number of moles taken one mole. Hum logon ne kyunki apna division bahut easy hoga usse, aap 2 leke bhi kar sakte hai, par farak nahi padega, sirf lengthy ho jayega aur kuch nahi. अल्फा इज नंबर ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। प्लस अगर नंबर ऑफ मोल्स टेकन हमें 1 है, तो प्लस अल्फा क्या होगा आपका बोलो? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो यहां पे कितने मोल डिसोल हो रहे बोलो? अल्फा, राइट? पर ना अल्फा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 है, प्लस एनीथिंग अपॉन 1 क्या होता है? दैट सेम थिंग, राइट? नंबर ऑफ मोल डिसोल को 1 से डिवाइड करोगे तो अब क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल डिसोल ही रहेगा ना। तो हमने जानबूझ के क्या है यहाँ पे? जानबूझ के हमने 1 मोल लिया है। मतलब आपको मालूम है सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 हमने m मोल लिए थे, तो कितना लेंथी हो गया था? यस सर, अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, राइट? तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये 1 था ना, बराबर? तो मैं 1 निकाल लेता हूँ। So the dissociation of this electrolyte BA can be shown as BA gives you B plus and A minus, right? So now if I write here initial moles, तो ना पानी डालने से पहले हमारे पास BA के कितने moles थे? One mole. Okay, initial मतलब पानी के 1 मोल थे, हमने हमारे पास ना कटायन था ना? Zero. आयन था, zero zero था, because हमने इसको dissolve किया नहीं था, right? जब हम लोग बी ए को पानी में डालेंगे तो एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ओके? प्लस कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं आपको मालूम है? कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? अल्फा। तो प्लस अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आपको बी ए कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। सब लोग 1 मोल में से अल्फा मोल क्या हो गए? डिसोसिएट हो गया, राइट? डिसोसिएट हो गया, यस। प्लस आपके पास अनडिसोसिएट फॉर्म में बीए कितना बचेगा?
से अल्फा चले गए तो कितने बचा अनडिसोसिएटेड तो जो अल्फा मोल डिसोल हो जाएंगे राइट जो अल्फा मोल क्या हो जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे वो क्या बनाएंगे कटायन्स एंड अनायन्स क्लास पे कोएफिशिएंट 1 है तो क्लास यहां पे आपको मिलेगा 1 टाइम्स अल्फा कटायन राइट और यहां पे कोएफिशिएंट 1 है तो आपको मिलेगा यहां पे 1 टाइम्स अल्फा अनायन एग्री अनायन यस सर अल्फा मोल डिसोल क्या आपको बनाएंगे कटायन बनाएंगे और अनायन बनाएंगे तो क्लास अगर मेरे पास NaCl होता NaCl गिव्स मी Na प्लस एंड Cl माइनस तो क्लास वन मोल आपको वन मोल कटायन वन मोल अनायन देता तो अल्फा मोल आपको क्या देता अल्फा मोल कटायन एंड अल्फा मोल अनायन बराबर ना यस सर बस फॉर प्रोवाइडेड यहां पे कंडीशन क्या रिक्वायरमेंट है आपका कटायन और अनायन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए 1 एंड 1 क्लास अगर मैं ऐसा कुछ लेता ए टू बी ऐसा कुछ लेता तो आपको क्या मिलते हैं 2a प्लस प्लस बी माइनस टू ऐसा होता तो क्लास अगर मैं यहाँ पे अल्फा लेता तो क्लास यहाँ पे आपको मिलता 2 अल्फा राइट और यहाँ आपको मिलता 1 अल्फा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यस नो प्रॉब्लम तो क्लास ने सिंपल डेरिवेशन लिया है तो सिंपल ही रखते हैं इसको तो आपको अल्फा करना अल्फा आना है प्लस व्हाट इज कॉन्सेलेशन का फॉर्मूला मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन राइट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्लास आपने सॉल्यूशन कितना बनाया वॉल्यूम सॉल्यूशन का v डेसीमीटर क्यूब तो क्लास आपके पास va के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 माइनस अल्फा है और वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का v है बराबर ना v है यस कटायंस कितने हैं अल्फा है और वॉल्यूम कितना सोचें का v है तो अल्फा अपॉन v कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन एंड अनायन का कॉन्सेंट्रेशन अगेन अल्फा अपॉन v ये समझा यस यस सर ओके गुड ओके क्लास नाउ अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्लास इफ यू अप्लाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायंस v प्लस रेज टू 1 लिखते नहीं हम लोग a माइनस रेज टू 1 वो भी लिखते नहीं हम लोग बिकॉज़ वो 1 है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीए हाँ हम लोग ए को नाम क्या देंगे इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट पर विच रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोलाइट राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीए बराबर बच्चों तो बीए का क्या हो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एवरीवन क्लास का एसिड होता तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं एचए या बेस होता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बीओएच बीओएच और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीए बराबर यस इट आउट हियर गुड क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लास व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस अल्फा अपॉन बाय v कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम तो प्लस b का b प्लस कटायन का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना है अल्फा अपॉन v अनायन कितना आपका अल्फा अपॉन v और अगला आपका सॉल्ट कितना है अनडिसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा v बाय पुट ऑल द वैल्यूज तो k इज इक्वल टू अल्फा बाय v इनटू अल्फा बाय v अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय v बराबर है Yes. तो क्लास k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इनटू v इनटू 1 माइनस अल्फा बराबर है यस तो अब कैंसिल करोगे तो v कैंसिल एक स्क्वायर से एक v बचेगा यहां पे बराबर है तो k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू v इज इट ओके इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है वीक है वीक तो डिसोसिएट ज्यादा होगा या कम होगा
अल्फा क्या होता है? लेस देन वन होता है, राइट? यस तो क्या इलेक्ट्रोलाइट वीक है, डिसोसिएट कम होगा, तो क्लास वन के सामने अल्फा क्या है? बहुत छोटा है, बराबर। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वन, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट कैसे आपका वीक है ना, तो डिसोसिएट कम होगा, तो क्लास अल्फा वन के सामने क्या है? छोटा वैल्यू, राइट? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वन माइनस अल्फा इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू, बोलिए, वन। वन क्योंकि अल्फा छोटा है तो निकले करेंगे, क्यों निकले करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आर वेरी वेरी लेस, लेस, ठीक है? तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू 1, तो क्लास इफ आई हैव सब्स्टिट्यूटिंग अबाउट इक्वेशन, तो क्लास इसको निगलेक्ट क्यों कब नहीं करते वो भी बताऊंगा आपको, जेडब्ल्यू अगर एडवांस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं तो वहाँ पे कभी कभी इसको निगलेक्ट करते भी नहीं, पर हम लोग अपने जेडब्ल्यू मेंस से इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? आर यू क्लियर? यस। यहाँ पे इसका अल्फा को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो एडवांस के क्वेश्चन है, पर वो भी आपको बता दूंगा बाद में, ओके सर, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब। क्लास क्या होगा इक्वेशन? के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय वी, अल्फा स्क्वायर बाय वी, ठीक है? या फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वी के वी इनटू वी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के वी, के वी, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर एमसीक्यूज, अल्फा इज के इनटू वी। हां क्लास, अगर मैं ये के निकाल देता हूं, के क्या बोलो, कांस्टेंट है, राइट? यस। Can I write a constant equal to, can I write alpha is directly proportional to root of v? Root v, yes sir. Yes sir. तो क्लास अगर आप क्या करते जाओगे, पानी बढ़ाते जाओगे सोल्यूशन में, तो डिग्री ऑफ डिस्टेंस क्या होता जाएगा? अगर आप सोल्यूशन का डायरेक्शन बढ़ाते जाओगे तो अल्फा क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। क्लास बीकर में एसिडिक एसिड है, राइट? समझो, वन मोल एसिडिक एसिड है, पानी कितना है? 0.5 लीटर। कितना है? 0.5 लीटर, बराबर है? प्लस वो कितना डिसोल्व हुआ समझो, 0. ओके, कितना डिसोल्व समझो, 1% डिसोल्व हुआ। कितना डिसोल्व हुआ? 1%। प्लस 1% मतलब क्या लिखता हूँ मैं, 0, अल्फा कितना होगा? 0.01, राइट? यस। 0.01, 0.01 इंटू 100 कितना होता है? 1, ठीक है, तो अल्फा 0.01 है, बराबर है? यस। प्लस अगर मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी डालता हूँ, राइट, और मैं सोल्यूशन को कितना बनाता हूँ, 0.5 लीटर को मैं क्या कितना बनाता हूँ अभी, 2 लीटर बना समझो, तो अभी आपका अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, वो 0.04 हो जाएगा, ठीक है? तो प्लस क्या हो रहा है, अगर अल्फा वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप सोल्यूशन में पानी डाल रहे हो, राइट, तो डायल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो अल्फा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ज्यादा आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, राइट? यस सर। ओके, ये किसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ बच्चे लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रॉन्ग तो हमेशा पूरा डिसोल्व होता है, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशन में पानी ज्यादा डालो या कम डालो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगला इसका इक्वेशन नंबर 1 देता हूं मैं, ओके। अगला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी का सिंबल सी या फिर एम? इस चैप्टर में सी लेते हैं, मोलैरिटी का फॉर्म सिंबल हम लोग या तो एम लेते हैं या तो सी लेते हैं, दोनों में किसका फॉर्म यूनिट है? आपने कितने मोल लिया सॉल्यूट के, हमने स्टडी वर्क किया था, आपने 1 मोल लिया था, ठीक है? तो 1 मोल अपॉन वी डी एम क्यूब, बराबर, आपका सी कितना हो गया? 1/v, बराबर है? यस। तो क्लास देयरफॉर वी कितना हो गया? 1/c। 1/c प्लस सब्स्टिट्यूट इन अबाउट इक्वेशन, इक्वेशन में डालो, इक्वेशन 1 में, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ k/c, बराबर है बच्चे लोग? क्योंकि हमने क्या किया, आप
वी के जगह क्या लिखा हम लोगों ने, 1/c लिखा। क्लियर है सब लोग को? यस यस सर। हाँ तो क्लास ये इसका मतलब होता है अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू के, निकाल दो क्या रूट ऑफ 1/c, बराबर ना? नहीं समझा? यस सर। तो क्लास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलारिटी। मोलारिटी क्लास मैं बताता हूँ, जो बीकर में कितना सॉल्यूशन लिया हम लोगों ने, 1 लीटर राइट, और उसमें आपके पास कितना 0.101 मोल सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है 0.01 मोल सॉल्यूट, और समझो इसका अल्फा कितना है 0.01 है, कितना अल्फा 0.0, अरे कुछ तो हो गया गड़बड़, हाँ गया क्या पूरा, हाँ अल्फा कितना इसका 0.01 है। से फॉर एग्जांपल मतलब कितना परसेंट बचे लोग, 1%। हाँ क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें और 0.01 मोल क्या डालेंगे, सॉलिड डालेंगे। क्लास क्या बढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, डाइल्यूशन बढ़ा है हम लोगों ने, व्हाट इज सी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लास आपने क्या बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया राइट, ठीक हो गया। यस अभी आपका अल्फा यहां पे 0.01 से 0.001 हो जाएगा, क्लास बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया। तो क्लास यही आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो क्लास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लास क्या बोलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है सब लोग को? यस सर। दिस लॉ इज कॉल्ड एज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो क्लास ये लो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसिड और बेस के दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। ओके यस सेम लो, 99% डेरिवेशन सेम, सिर्फ क्या होगा बच्चे लोग चेंज, बीए के जगह पे एच है एसिड के लिए राइट, और के की जगह पे के, बस इतना डिफरेंस। बेस के लिए अप्लाई करेंगे तो बीए के जगह पे बीओएच और के जगह पे क्या केबी। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले अच्छे से हाइड करने हैं, क्या इक्वेशन नंबर 1 अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के इनटू वी, और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K by C. So these are two equations which are important for what? Oswald dilution law. So next lecture हम लोग एक बार वापस रिवाइज करेंगे और एसिड बेस के लिए इसको डिराइव करेंगे. Okay? Thank you.
Thank you.